हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा किया था। इस दौरान पीएम मोदी के अलग अंदाज ने खूब तारीफें बटोरी। प्रधानमंत्री का यह दौरा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया था। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पीएम मोदी ने फ्रंट लाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूह के साथ बातचीत भी की थी। यही नहीं, पीएम मोदी इस दौरान मैसूर भी गए थे, जहां उन्होंने कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन और स्मारक सिक्का भी जारी किया था। इस दौरान उन्होंने टाइगर सेंसस 2022 की रिपोर्ट भी जारी की। साल 2018 के सेंसस में बाघों की संख्या 2967 बताई गई थी। वहीं 2022 की सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। पीएम मोदी द्वारा बाघों की गणना पर जारी की गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार यूपी के सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार बाघों की उपस्थिति के फोटोग्राफिक सबूत देखने को मिले हैं। सुहेलवा और सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर डिटेक्टेड ग्रिड में जोड़ा गया है। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत नेपाल की सीमा पर स्थित खूबसूरत जंगलों में से एक है, जिसे बंगाल टाइगर का प्राकृतवास माना जाता है। अब हम यूपी के टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान समय में यूपी के 4 टाइगर रिजर्व हैं। इसमें पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है। इसमें दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है। यह यूपी में एक ही जगह पर है, जहां बाघ और गेंडे दोनों एक साथ पाए जाते हैं। यहां बाघों की अनुमानित संख्या 107 है। यूपी का पीलीभीत टाइगर रिजर्व शाहजहांपुर और पीलीभीत जिले में मौजूद है, जो करीब 730.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साल 2020 में बाघों की संख्या दोगुनी पाए जाने पर इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 यानी कि टाइगर्स टाइम्स 2 से भी सम्मानित किया गया था। यह रिजर्व अपने साल फॉरेस्ट के लिए भी जाना जाता है। अब बात अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को बिजनौर टाइगर रिजर्व के भी नाम से जाना जाता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास होने के कारण इसे बफर एरिया घोषित किया गया है। जनगणना के अनुसार इसमें बाघों की संख्या 27 है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो 529.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यूपी के इस रानीपुर टाइगर रिजर्व की दूरी एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व से महज 150 किलोमीटर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में बाघों की कुल संख्या 117 से बढ़कर 173 हो गई है। ये तो हो गई यूपी में टाइगर रिजर्व की बात। अब आपको बताते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कैसे हुई। आज़ादी के समय देश में करीब 40,000 बाघ हुआ करते थे, लेकिन 1970 तक इनकी संख्या घटकर 2,000 से भी कम रह गई। जांच में यह पता चला कि इसके पीछे कारण बाघों का अवैध शिकार है। इसके बाद 1970 में अंतर्राष्ट्रीय संघ ने बाघ को लगभग खत्म हो चुकी प्रजाति घोषित कर दिया। साल 1972 में भारत सरकार ने सही आंकड़ों का पता लगाने के लिए इनकी जनगणना की, तो पता चला कि टाइगर की संख्या 1800 के आसपास है। उस वक्त इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की शुरुआत की। इसके एक साल बाद 1 अप्रैल 1973 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जीम कॉर्बेट पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल के 9 टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया था। इस टाइगर प्रोजेक्ट के उद्देश्य की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कुछ ऐसे कारणों का पता करके उसमें सुधार करना था जो बाघों की जनसंख्या में कमी के लिए जिम्मेदार हो। इस परियोजना का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि बाघों को अधिक समय तक जीवित रखा जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी सहयोग देना है कि मानव स्वयं भी अधिक समय तक जीवित रहे। बाघों के संरक्षण से मानव जीवन को भी नियमित स्वच्छ हवा, पानी, प्रांगण और तापमान विनियमन जैसी चीज़ों की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।